subscribe to Shemaroo Movies and hit the bell icon to never miss an update. इंद्रजीत मुखर्जी, आप कितने भाई हैं? छोटे भाई का नाम इंद्रजीत मुखर्जी है। वो क्या काम करते हैं? मुझे मालूम नहीं। ताज्जुब है? आपको ये भी नहीं मालूम आपका छोटा भाई क्या काम करता है? कुछ अरसा हुआ उसने मुझसे सारे संबंध तोड़ दिए। अगर मैं ये कहूं कि आपने अपने चारों तरफ एक गंदा माहौल खड़ा कर लिया है जिसकी वजह से घर के सब लोग आपसे नफरत करने लगे हैं तो दिस इज एन इररिलेवेंट क्वेश्चन योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त को एक शरीफ आदमी पर ऐसी तोहमत लगाने का कोई हक नहीं है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, प्रोसीड मिस्टर घोष। अच्छा, आप रोजी नाम की किसी स्त्री को जानते हैं? ए मिस्टर मुखर्जी, कहाँ खो गए आप? मैं पूछ रहा हूँ। जी हाँ, जानता हूँ। मिस्टर मुखर्जी, क्या मिस रोजी ने भी आपके बिजनेस में कुछ रकम लगाई थी? जी हाँ, काफी रकम। आप इस बात का कोई सबूत पेश कर सकते हैं? लिखा पढ़ी, एग्रीमेंट, प्रॉन आउट? जहाँ दोस्ती होती है वहाँ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसी तो क्या आप अपने दोस्त का परिचय अदालत को देंगे? कहाँ रहती है, क्या करती है? इस सवाल का मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत गहरा ताल्लुक है योर ऑनर। मैं रोजी के जीवन की कहानी इस अदालत के सामने पेश करके ये साबित करूंगा कि मिस्टर इंद्रजीत मुखर्जी, जिनका समाज में काफी मान सम्मान है, दरअसल एक धोखेबाज है, अयाश है, चरित्रहीन है। मैं इनके चेहरे से शराफत का नकाब हटाकर इनके कर्म के जीवन की तस्वीर पेश करूंगा। जिस रोजी का जिक्र मैंने किया है उसी की वजह से इनके घर का सर्वनाश हुआ है। ये रोजी का परिचय नहीं देंगे उन्होंने, क्योंकि वो एक प्रचलन बदनाम औरत है, एक वेश्या है। She is a public woman. Rosy is a prostitute. Thank you.
बेटी शायद कोई बाहर आया है, जरा देख तो। आप किससे मिलने आए हैं? जी किसी से नहीं, यहाँ से गुजर रहा था, अचानक बारिश शुरू हो गई इसलिए रुक गया। I'm sorry। अंदर आने दो बेटी। आइए। नमस्ते, मेरा नाम इंद्रजीत। अच्छा अच्छा, अरे आप तो बिल्कुल भीग गए, कोट उतार दीजिए, बेटी इनकी थोड़िया धो। जी नहीं कोई बात नहीं। अच्छा तो यहाँ आ जाइए, आपके पास बैठे, आप बैठे मैं वहां खड़ा रहता। पियानो आप बजा रही हैं? जी। बहुत ही सुरीले नोट्स थे, मैंने खामखा आपको डिस्टर्ब किया। आपको भी पियानो का शौक है? शौक तो बहुत है। तो आइए हो जाए सुनने का। रमा को तो बचपन से पियानो का बहुत शौक है। अच्छा, बस यूं ही थोड़ा सा, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। जी नहीं, क्यों तकलीफ करती हैं आप? काय की तकलीफ, फिर सर्दी भी तो बहुत है। आप यहाँ रहते हैं? जी नहीं, दरअसल कलकत्ता में हम लोगों की आयरन स्टील की दुकान है, एक टेंडर के सिलसिले में किसी अफसर से मिलने आया था जो यहाँ छुट्टी मनाने आया था। हम भी यहाँ छुट्टियां मनाने आए, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, सारा दिन घर में पड़ा रहता हूँ, कभी फुर्सत मिले तो आ जाएगी। जी जरूर। अब ये चाय किसके लिए बन रही है? अब कोई साहब आए हैं, बारिश में काफी भीग गए, इसलिए बारिश में भीगे तो खातिरदारी ये की जाएगी, ये घर है घर, कोई होटल नहीं। अरे उधर क्या देख रही है? सुना नहीं, बंद कर दे इसको, बंद कर दे। जी मेरे ख्याल से बारिश बंद हो गई है, वैसे भी मुझे चाय का शौक नहीं है, मैं चलता हूँ। देखिए आप मेरी पत्नी की बात का बुरा मत मानिए। जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आप यहाँ कैसे? मन की शांति के लिए इससे अच्छी जगह कौन सी हो सकती है? कैसे संयोग की बात, हमारी दूसरी मुलाकात ऐसे पवित्र स्थान पर। शायद इसलिए कि मैं आपसे माफी मांग सकूं। माफी? इस बात की? उस दिन माँ ने न जाने क्या कुछ कह दिया। खैर कह दिया होगा, माँ है, शायद उस वक्त उनका मूड खराब हो गया। उनका मूड तो हमेशा ही खराब रहता है। क्यों बताइए ना। सौतेली माँ है ना, शायद इसलिए। पिताजी को बहुत दुख हुआ, आपको चाय तक नहीं पिला सके। ठीक है मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगा। फिर किसी दिन? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब घर छोड़िए, चलिए मैं आपको घर छोड़ाता हूँ। लेकिन लेकिन क्या, मेरे पास गाड़ी है, चलिए। रोज मंदिर जाते हैं? जी नहीं, कभी कभी। आपने कुछ कहा? जी नहीं तो। बस वहां उस किले के पास रोकी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। जब यहाँ तक आया हूँ तो चले घर तक छोड़। नहीं, नहीं, नहीं। नमस्ते। अरे हाँ सुनिए, एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गया मैं। कौन सी बात? मैं होटल रॉयल में ठहरा हूँ और उसका टेलीफोन नंबर है 350। हेलो। अरे आप फोन के पास ही इंतजार कर रहे थे? नंबर किस लिए दिया था? अच्छा, किसने नंबर दिया था? हाँ, घर पे तो आपसे बात नहीं हो सकती, आपकी माताजी का मूड अक्सर खराब रहता है ना। बात करना जरूरी है। अब सिर्फ बात ही नहीं, मुलाकात भी जरूरी है। हेलो, हेलो, हेलो। आप हंस रही हैं? देखिए मौसम कितना अच्छा है। जाइए ना, घूम फिर आइए, मौसम का मजा लीजिए। अकेले? अकेले तो बेचारा मौसम भी अपनी रंगीनी खो बैठेगा। देखिए माल रोड आपके घर के बहुत नजदीक है ना? हाँ नजदीक है। मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूँ, आपसे पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। नामुमकिन। अच्छा देखते हैं। देखते हैं। माल रोड जल्दी। माल रोड जल्दी। नहीं है कोई,
प्यार है शक इसमें नहीं है कोई। अरे दो ही मुलाकातों में निगोड़े नैनों ने निंदिया कोई। हो ऐसे दिन बीतेंगे कैसे दिन बीतेंगे, अब तो पसंद एक रात नहीं हो। तुमको खबर ना हमको पता, दिल कैसे मिले दीवाने। जाने कहां से आए हो तुम, हम आए कहां से जाने। हो, 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 शायद हम दोनों का एक ही रास्ता होगा, वरना जी लीला के वहाँ। मैं तेरी लीला विला खूब जानती हूँ, चार दिन से देख रही हूँ कहीं आने जाने का ठिकाना ही नहीं है। याद रख, अब अगर कहीं बाहर जाएगी तो मेरे साथ जाएगी। अरे क्या हुआ, क्यों हमेशा बिचारी पर बिगड़ती रहती हो? तुम चुप रहो जी, तुम्हारे लाड प्यार ने ही इसके लक्षण बिगाड़े हैं। मैंने फैसला कर लिया, कल ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और 8 दिन के अंदर अंदर इसकी रामदयाल जी से शादी कर देंगे। अरे नहीं, रामदयाल तो 2 बच्चों का बाप है और फिर उसकी उम्र भी तो। तुम्हारी लड़की की उम्र कौन सी कम है? अरे देखो मैं कहता हूँ थोड़े दिन ठहर जाओ, अच्छा लड़का मिल जाएगा। अच्छा लड़का तब मिलेगा जब ये हमारी नाक कटवा के रहेगी। ये शादी होगी और जरूर होगी। तुम खड़े खड़े क्या देख रहे, चलो अपना काम करो, चलो। और सुन, घर से बाहर निकली तो तेरे पैर तोड़ दूंगी। हेलो रमा। हेलो कौन इंद्र? तुम आई क्यों नहीं? माँ को सब पता चल गया है, उन्होंने मुझे रोक दिया। क्या? लेकिन तुमसे मिलना बहुत जरूरी है, एक बहुत जरूरी बात कहनी है। आज शाम को मिल सकोगे? हाँ क्यों नहीं, तो फिर 5 बजे माल रोड पर आ जाना प्लीज। आप कौन, क्या है आपका टेलीग्राम साहब? फादर सीरियस कम इमीडिएटली दे दो। यहां से कलकत्ता का प्लेन कितने बजे? 6:30 बजे साहब। 6:30 बजे जी साहब। अच्छा एक टैक्सी जल्दी से ले। अच्छा साहब। आपका नाम विक्रमा है? हाँ क्यों? फिर चिट्ठी वो नहीं आ रही है? जी नहीं। प्रिय रमा, मुझे अभी अभी तार मिला है कि पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। ऊपर मैंने अपना पता लिखा है तो मुझे वहीं खत लिखना, जरूर लिखना। तुम्हारे खत का मैं इंतजार करूंगा।
बेटा मैं जा रहा हूँ, मुझे इतनी दुख है, तुम्हारे लिए कष्ट के सिवा कुछ छोड़ कर नहीं जा रहा। बेटा जैसे भी हो उसे चुका देना। मैं पाए पाए चुका दूंगा। लक्ष्मी रोमा तुम्हारे बेटा बेटा तुम्हारी माँ और भाई का ख्याल रखना, तुम्हारे सहारे छोड़ रहा हूँ। बाबू आप थोड़ा आराम कीजिए ना बाबू। बेटा अब आराम आराम इन्ना इन्ना बाबू लक्ष्मी तुम सब कहो, मुझे कुछ दिखाई नहीं देना, तुम तो कहो लक्ष्मी लक्ष्मी। बाबू साहब का पता नहीं, न सुबह से कुछ नाश्ता किया न खाना खाया, ऐसे कितने दिन चलेगा देवू? अब तुम ही कुछ उपाय करो नहीं तो मैं सब छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा। अरे जाके तो देखो, मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा कि श्री महावीर काका हमें मजदार में छोड़कर भाग गए, उन्हें जिंदा या मुर्दा मतलब नहीं। अच्छा सिर्फ जिंदा गिरफ्तार कर गिरफ्तार करके तो अब तुम्हें रखना पड़ेगा। वैसे महावीर काका ठीक कह रहे भाई साहब, आपको न अपना ख्याल है न दूसरों का। क्यों क्या हुआ? तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? जरा घड़ी तो देखो, तुम्हें तो कभी भूख लगती नहीं, घर में बेचारी बूढ़ी माँ भूखी प्यासी बैठी हुई है, कभी उसका भी तो ख्याल किया करो। माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया। देखो तू जल्दी घर जा, माँ से बोल देना मैंने होटल में खाना खा लिया है, रात को ही घर पे खाऊंगा। आप फिर कहीं बाहर जा रहे भाई साहब? हाँ देखो सेठ जी से एक जरूरी काम है, इस छोटी सी दुकान से तो कुछ काम ही नहीं बनता, पैसों का इंतजाम हो जाए तो सोच रहा हूँ एक फैक्ट्री खोलूं। जा घर जाके माँ को समझा देना। है तेरी ऐसी कमाई जा चूल्हे में। जीत तुम आदमी नहीं शैतान हो, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मेरे साथ ही बेईमानी करने लगे। मैं क्यों बेईमानी करूंगा सेठ जी, आप भूल गए हैं मैंने आपके कर्जे की पाए पाए चुका दिया। उसे नीच निकल जहाँ से, मैं ये पैसे बटे खाते में डाल दूंगा मगर तुम्हारी ये मनोज शकत उम्र भर नहीं देखूंगा। राम मोहन इसकी हुंडी फाड़कर इसके मुंह पे मारो। क्या दबाओ? ठीक है सेठ जी, आज आप गुस्से में इसलिए मैं चला जाता हूँ। अरे जा चल भाई राम मोहन, मेरी हुंडी फाड़ कर दे। नमस्ते सेठ जी। हैं ये अंदर है जाइए। नमस्ते सेठ। कहिए आप कैसे आए? मैंने आपसे फोन पे बात की थी ना, उसी सिलसिले में आया हूँ। हाँ हाँ आप अपनी पुरानी दुकान बेचकर एक नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं ना? जी हाँ। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सेठ जी उस दुकान की कीमत मुझे सिर्फ 15,000 रुपये मिल रही है और मुझे कम से कम 10,000 रुपये और चाहिए, इसीलिए मैं आपको 10,000 रुपये और चाहिए ना? जी हाँ। आप रुपया ले जाइए, जब भी सहूलियत हो चुका दीजिएगा। आप जैसे नौजवान तरक्की करें फले फूले, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ये लीजिए 10,000 रुपये, ये लीजिए और इस पर दस्तखत कर दीजिए। भगवान आपको सफलता दे। बाबू नमस्ते। माफ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं। कमाल है, अरे मैं अजीत कुमार वर्मा 2-3 बार आपकी दुकान से माल खरीद चुका हूँ, आपको याद नहीं है? खैर जाने दीजिए, मेरी भी एक छोटी मोटी फैक्ट्री है। अच्छा? हाँ वो ड्रिलिंग और कटिंग मशीनें हैं, सुना है आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। जी हाँ मैं सोच रहा हूँ। तो आप एक काम कीजिए ना, आप मेरी मशीनें खरीद लीजिए, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन है। जी लेकिन पहले मैं मशीनें देखना चाहूंगा। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, मेरी फैक्ट्री बहुत नजदीक है, चल करके देख लीजिए आप। जी नहीं आज नहीं, आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं कल आकर देखूंगा। अरे कमाल की बात करते हैं आप, 2 मिनट का तो काम है, मशीनें आज देख लीजिए और फैसला कल कर लीजिएगा। टैक्सी आइए 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 ना बैठे।
आइए आइए ना। फैक्ट्री यहाँ पर जी? नहीं, तुम कहना कि रास्ते में आते थे, काफी देर हो गई, मैंने सोचा फैक्ट्री बंद हो गई होगी। यहाँ पे मेरा गरीब खड़ा है, आइए ना एक कप चाय पीजिए और वो फैक्ट्री के पेपर्स भी देख लीजिए। सरदार जी कितने हुए? आओ लो जी, बस कम 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 आइए ना। दरअसल बात यह है कि मेरी बीवी को नाचने गाने का शौक है, उसने यह डांसिंग स्कूल खोल रखा है, मैं तो सारा दिन बिजी रहता हूँ, वो बेचारी अपना दिल बहला देती है। आप तशरीफ रखिए ना, मैं अभी आया। बैठे बैठे बैठे। इतनी बदनामी हो जाती मैं जो करती शोर, सपने में कल रात अटरिया पे आया चितचोर। अरे चितचोर बिचोर में क्या रखा है, माल बटोरने का सोच। मास्टर जी आ जाती है, बताता हूँ। अरे एक मोटा बकरा फांस के ले आया हूँ। सच? क्या फिर कोई व्यक्ति खरीद आया है? हाँ, अरे उसकी जेब नोटों से भरी हुई है और अपनी हथेली खुला रही है। लेकिन मेरा हिसाब 50-50। अरे बंद बस करते हैं। ये बात हुई ना, क्यों रुक गई शर्मा जी क्यों? अरे ये तो मेरे पुराने दोस्त है, तो आ जा आ जा आओ ना, आ जा आ जा। इंद्रजीत बाबू ये मेरी धर्म पत्नी है जमुना, बेचारी अंदर बैठे बैठे गाने की प्रैक्टिस कर रही थी। आपको गाने का बहुत शौक है? जी हाँ, बचपन से शौक है। अरे हाँ जमुना, वो हमारी फैक्ट्री तो दिल भी रखी हुई है, तो क्यों ना इनके हाथ बेच डाले। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा पेपर्स कहाँ है? वो आज बड़े भैया आए थे, किसी को दिखाने के लिए ले गए। What nonsense! वो मैं फैक्ट्री किसी और के हाथ बेचने वाला नहीं हूँ, इनसे मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ, कल सवेरे पेपर मंगवा लो। अच्छा फिर मैं चलता हूँ, फिर किसी दिन आ जाऊंगा जब पेपर मंगवा लेंगे। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है, बैठिए ना, आप हमारे घर पहली बार आए हैं, हम आपको ऐसे थोड़ी जाने देंगे। ठीक ही तो कह रही है, आप इसकी सोडा में लीजिएगा पानी। जी शुक्रिया, मैं पीता नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तो कोल्ड ड्रिंक लीजिए। अरे जमुना तुम भी कमाल करती हो, सारा दिन नाचती रहती हो गाती रहती हो, आज जब मेहमान आए हैं तो यहाँ बैठी हो, चलो अपनी कला जरा दिखाओ। चलो चलो चलो, बहुत शर्माती है। दिल से की जान ले गया, दिल से की जान ले गया, दगा बेईमान दे गया, दगा बेईमान दे गया, दे गया दगा बेईमान दे गया। गंगा बेईमान दे गया।
इंद्रजीत की फैक्ट्री। उसके बाप ने भी कभी फैक्ट्री का नाम सुना था इंदर बाबू? उसने तो ऑफिस में गबन किया था, नौकरी से निकाला गया है और शायद एक दिन वो जेल में भी जाएगा। मेरी किस्मत ही खराब है सर जी। अच्छा आपको याद है कि वो टैक्सी में बिठाकर आपको कहाँ ले गया था? सेठ जी काफी घूम घाम के टैक्सी पहुंची थी, वहां कुछ नाच गाने की आवाजें, शायद उस लड़की का नाम जमुना था। अरे वो सारी रंडी, एक दिन वो उसे यहाँ भी ले आया था, मैंने फौरन बाहर निकाल दिया था। इंद्र बाबू अब आपके पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं। सेठ जी उसका पता आपके पास है? मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। मैं देखता हूँ शायद कहीं हो। यहाँ वो तुम यहाँ कैसे? ये घर तो अजीत बाबू वो मेरे पति हैं। पति अंदर आ। अजीब संजोग, जहां मिलने की कोशिश की वहां तो नहीं मिल सके, और जहां सपने में भी नहीं सोचा था वहां मुलाकात। ये तो मैं भी सोच रही हूं। बैठो। पिताजी कैसे हैं? उनका तो तभी सर्वनाश हो गया था, लेकिन रमा कल अजीत बाबू मुझे कहीं और ले गए थे, वहां उन्होंने एक दूसरी स्त्री को अपने पत्नी बताया था। इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन तुम उन्हें कैसे जानते हो? कल ही एक सेठ जी के वहां मुलाकात हुई, जबरदस्ती मुझे उस औरत के घर ले गए, वहां शरबत में बेहोशी की दवा पिलाकर मेरे 10,000 रुपये निकाले। क्या? आ रहा हूं, मैं वही रुपये वापस लेने आया था। फिर तो मिल चुके, अब तक तो वो रुपये शराब और जुए में खत्म भी हो चुके होंगे। तो पुलिस में रिपोर्ट कर दो। नहीं रमा अभी मुमकिन नहीं। क्यों? मेरे कारण? शायद वो आ गए। कब से दरवाजा खटखटा रहा हूं, सुनाई नहीं देता है? क्या कर रहे थे दरवाजा बंद करके? अजीत बाबू कौन है? इतनी पीली कि मुझे पहचानते भी नहीं। क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। गिरा रो माँ हाउस। जाऊंगा, लेकिन कल आपने बेहोशी की दवाई पिलाकर मुझसे जो रुपये चुरा लिए थे वो लेकर जाऊंगा। क्या कहा? मैंने तुम्हारे रुपये चुराए? हराम शादी, मेरे घर को कोठा समझकर अपने यार को बुलाती है। अजीत बाबू आज नहीं चुप रहा। भगवान के लिए लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। दूर जाइए यहाँ से। आप जैसा कमीना आदमी मैंने कहीं नहीं देखा, अब तो देख लिया ना। चलो मुन्ना फुटास की गोली लो। उल्लू का पट्टा।
शाम को मिलना, एक बहुत जरूरी बात करनी है। सच सच बता, तो जेवर कहाँ छिपा है? जो कुछ भी मेरे पास था वो तो मैंने तुमको पहले ही दे दिया। ए, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, सीधी तरह से वो जेवर मेरे हवाले कर दे, वरना मार मार के हड्डी पसली कर डालूंगा। मार के सिवाय तुमने मुझे दिया भी क्या है? अपनी पत्नी पर इतना जुल्म करते हुए तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? तुम मेरी पत्नी? तुम जैसी चलन आवारा लड़की जो घर से भाग निकली हो, मेरी पत्नी नहीं हो सकती। ऐसा मत कहो, तुमने मुझसे मंदिर में शादी की थी, मुझे पत्नी मानकर माला पहनाई। वो माला तो सूख गई। तुम कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मैंने तुमको सच्चे दिल से अपना स्वामी माना है। स्वामी माना? अरे हाँ, तब तो दहेज भी मिलना चाहिए ना। कहाँ है वो जेवर? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम तो किसे मालूम है? बता। तुम्हारे पास में कोई जेवर नहीं है? मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या कहा तुमने? मेरे बच्चे की माँ? किसी और का बाप मेरे सर मारना चाहती है? नहीं, चाहो तो मुझे जान से मार डालो, लेकिन ये कलंक मुझ पर मत लगाओ। नहीं, अब प्लीज घर में रह सकती, निकल तो बेटा से। मैं नहीं जाऊंगी। रामजादी कहती है मेरे बच्चे की माँ। चले जा। मत निकल। मैं नहीं जाऊंगी। घर से रहेगा नहीं तो। अपनी पत्नी पे हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? बड़ी हमदर्दी है, 10,000 की चोरी का इल्जाम मुझ पर और वसूली यहाँ से। नहीं नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे मारा? देख लूंगा, देख लूंगा। वो अपने बदमाश दोस्तों को बुलाने गया है, अब तुम जाओ। लेकिन रमा, तुम इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये तो मेरे लिए रोज की बात है। मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी, तुम जाओ। अब मैं इसे ज्यादा देर तक संभाल कर नहीं रख सकती, इसे तुम रख लो। क्या है जी? इससे शायद तुम्हारे खोए हुए रुपए वापस मिल जाए। क्या मतलब? रख लो इसे। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं कि उसे इतनी आसानी से खत्म कर दिया। तुमने जो कुछ भी देखा उसके बाद भी तुम ऐसा कहते हो? हाँ,
हाँ मित्र। नहीं, अब मैं उस घर में कभी पैर नहीं रखूंगी। उस घर में नहीं रमा, मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। टैक्सी। समझ में नहीं आता रमा, ऐसे आदमी के साथ तुमने शादी क्यों की? मजबूरी। माँ ने जिसके साथ मेरी शादी तय की थी वो दो बच्चों का बाप था। मैं क्या करूं या ना करूं इसी उलझन में थी। अचानक अजीत से मुलाकात हो गई, उसने मुझे शादी करने का वचन दिया। उस पर विश्वास करके मैं घर से भाग निकली। लेकिन तुम मुझे तो चिट्ठी ले सकती थी, मेरा पता तो था तुम्हारे पास। तुम्हारी चिट्ठी का वो हिस्सा जिस पर तुम्हारा पता लिखा था वो बारिश में धुल गया था। मैं क्या करती? रो मत रमा, जो होना था वो हो गया। आ गए बड़े भैया। माँ कब से? काका मैं जरा कहाँ थे अब तक? ये कौन है? माँ ये बहुत दुखी लड़की है, एक बदमाश के चक्कर में मैंने सोचा तुम्हारे पास। माँ इसके बारे में जब तुम सब बातें सुनोगी तो। जो कुछ देख रही हूँ उसके बाद भी कुछ सुनने की जरूरत है क्या? महावीर इसे मेरे कमरे में पहुंचा दो। चलो। चलो गंगा नहाए, उस पाप की गठरी को रवाना कर दिया बनारस की गाड़ी में। किसको रवाना कर दिया काका? अरे वही जिसे रात तुम घर ले आए थे। ये क्या कह रहे हो काका? हाँ, रात ही माँ जी ने मुझसे कहा महावीर सुबह होते ही इसे स्टेशन छोड़ाना। मैं भी पीछे पड़ गया, लेकिन बार बार वो कह रही थी एक बार तुमसे मिलना है। मैंने भी जिद पकड़ ली, तुमसे मिलने ही नहीं दिया। गाड़ी छूटने के बाद मैं आ रहा हूँ। काका ये तुमने अच्छा नहीं किया, कम से कम मुझे कह तो दिया होता। इस तरह का नाथ लड़की बस बस रहने दो तुम्हारी हमदर्दी। एक रास्ते की लड़की जिसके न पति का ठिकाना न घर का ठिकाना उठा ले आए आधी रात को। चुप रहो काका, तुम्हें क्या मालूम उस लड़की के बारे में? हाँ मुझे तो कुछ नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है कि वो लड़की पेट में बच्चा लेकर माँ बनने वाली। हाँ वो माँ बनने वाली। क्या है? यहाँ वो साहब रहते थे। कौन? अजीत बाबू। आज सुबह पुलिस आके उस शराबी को पकड़ के ले गई, उसने ऑफिस से पैसा चुराया था। उसकी बीवी तो पहले से यहाँ से भाग गई थी। आप कोई उसके रिश्तेदार हैं क्या? चीन। अच्छा अविनाश बाबू आए थे इंद्रू। कौन अविनाश बाबू? किसी ऑफिस में काम करते हैं, बहुत सज्जन आदमी है। मैं महावीर के साथ उनकी बहन कमला को देखने गई थी। किस लिए? मेरे लिए भाभी का बंदोबस्त करने के लिए भैया। लेकिन माँ इतनी जल्दी क्या है? अभी अभी एक छोटी सी फैक्ट्री डाली है, इसकी पढ़ाई खत्म होनी है, नया मकान बनना है, उसके बाद देखा जाएगा। अरे वो क्या तेरे काम में रुकावट डालेगी? फिर साधारण घर की लड़की को ज्यादा दिन घर में बिठा कर नहीं रख सकते। मुझे लड़की पसंद है, मैं तो हाँ करके आई हूँ।
अरे अरे ये क्या? क्या मैं अपनी पत्नी का मुखड़ा देख सकता हूँ? क्या कीजिएगा देखकर? अगर कहीं खो गई तो ढूंढ कर लूंगा। जाइए, मैं नहीं दिखाती। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल चार की तरह। छोटी तारीफ मत कीजिए, मुझे सब कुछ मालूम है। क्या मालूम है? यही कि आप शादी नहीं करना चाहते थे। तुम्हें किसने बताया? मैं सब जानती हूँ। बताइए ना, किसी और से प्यार था क्या? हाँ। जी, किससे? अपने सपने से। सपने? हाँ कमला, बड़ा आदमी बनने का सपना, तरक्की करने का सपना। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। कमला, क्या मैं उम्मीद रखूं मेरा सपना पूरा करने में तुम हमेशा मेरा साथ दोगे? ये तो मेरा धर्म है। एक बात और कमला, जीवन पथ पे चलते चलते आदमी कभी कभी अपना रास्ता भूल जाता है। अगर ऐसा कभी मेरे साथ हुआ तो मुझे सही रास्ता बताना। कैसी बातें करते हैं आप, तो मेरे देवता हैं। छोटा सा घर अपना, छोटा सा
कैसा लगा? मकान तो मुझे बहुत ही पसंद आया। प्राइस क्या होगी? आपके लिए 3 लाख तक करवा। 3 लाख? ठीक है, एक दो दिन में माँ को बंगला दिखा दूंगा और बात पक्की कर लूंगा। परसों ऑफिस में आ जाओ। ठीक है, थैंक यू, बाय। अच्छा हुआ बड़े भैया तुम आ गए, जल्दी जाओ, माँ जी बेहोश हो गई है। हाँ, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। माँ जी, माँ जी, माँ, माँ जी, माँ, देखे तो सब कुछ बोलते हैं ना, आंखें खोलते हैं, पूजा करते करते बेहोश हो गए। आप कुछ करो माँ, देखो माँ, मैं माँ तैयारी में है, इसलिए जल्दी उन्हें नाश्ता करा दिया। अच्छा, तुम उनके लिए नाश्ता लगाओ, मैं भी आती हूँ। अच्छा। ले दे 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 आ आ तुम मुस्कुरा रही हो? कौन मुस्कुरा रही है देवू? नहीं भाभी, कोई नहीं, तुम मुस्कुरा रही हो। बनाओ मत, क्या छिपा रहे हो? देखो तो भाभी, क्या है कि ये दूसरे हाथ में। ओहो, दूसरे हाथ में पासपोर्ट भाभी, आई मीन पासपोर्ट फोटोग्राफ। खूबसूरत है, पर है कौन? कहाँ का पासपोर्ट है ये? प्रेमनगर का? प्रेमनगर? ये कौन है? लड़की। लड़की है वो तो मैं देख ही रही हूँ। देख लिया ना भाभी, लाओ जरा वापस दे तुम। अच्छा, इतने मत मुझसे छीन सकोगे? नहीं, छीन कर रहा हूँ भाभी, मैं तो हाथ जोड़ कर मांग रहा हूँ, प्लीज। ये फोटो तुम्हारे पास आई कैसे? आई कैसे? गलती से आ गई लगती है। तो फिर गलती से तुम्हारी फोटो भी इसके पास पहुँच गई होगी। हाँ, वो तो है। नहीं, नहीं, वो तो। इसका नाम क्या है? कविता। कहाँ रहती है? अपने घर में। वो तो मुझे भी मालूम है, घर का पता क्या है? घर का क्यों? क्योंकि तुम्हारे बड़े भैया को तुम्हारी करतूत बतानी ही पड़ेगी। अरे बाप रे, मैं तुम्हारी नहीं अपनी कसम खाकर कहता हूँ कि जिंदगी में और किसी से प्यार नहीं करूंगा सिवा कविता के। आप बाय ना रास्ते पर, लेकिन वचन दो किसी एक दिन यहाँ जरूर लाओगे। हाँ हाँ, जरूर लाऊंगा, लेकिन जब भैया घर पर नहीं हो। ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं लाओ। बड़े भैया, बड़े भैया बुला रहे हैं, आते आते। मारे गए भाभी, अब क्या होगा? डरो मत, उन्हें क्या मालूम। ये लो प्रशांत, मगर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलती हूँ, चल बुक कर। भैया आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठ नाश्ता करो। नाश्ता मैंने कर लिया भैया। अच्छा, जब देवो एमए का रिजल्ट निकलने में अभी देर है, मैं सोच रहा था तब तक तुम ऑफिस का सारा काम काज समझ लो। जी हाँ, मैंने एक नया ऑफिस भी लिया है, काम भी बढ़ रहा है, और ऑफिस और फैक्ट्री दोनों की देखरेख मुझसे अकेले नहीं हो सकेगी। भैया मैं ये सोच रहा था कि अगर रिजल्ट अच्छा आ जाए तो किसी कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर दो। लेक्चरशिप? इतना बड़ा बिजनेस छोड़ के नौकरी करेगा? भैया वो बिजनेस की बातें कुछ समझ में नहीं आती। लेकिन बिजनेस छोड़ के नौकरी, मुझे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। जब उसकी समझ में बिजनेस की बातें नहीं आती हैं, तो क्यों उसे जबरदस्ती बिजनेस में डालते हो? अरे देवू, तुम कह रहे थे तुम्हें कहीं जाना है? हा? अरे अभी तुमने कह रहे थे तुम्हें देर हो रही, तुम्हें कहीं जाना है? हाँ, हाँ। जाओ ना भैया, मुझे घर जाना है। हाँ जाओ। तुम इसे बिगाड़ रही हो। इसमें बिगाड़ने की क्या बात है, उसे कहीं जाना था इसलिए याद दिला दिया। याद दिला? कमला, ओ कमला,
अरे भाई साहब आप? अरे कैसी है तू? अच्छी हूँ। आज इतने दिनों बाद बहन की याद आई। और तू ही कहाँ हमारी खबर लेने आती है, हम कैसे हैं कैसे नहीं है? मैं क्या करूँ भैया, इतना बड़ा परिवार, सब कुछ मुझे अकेले संभालना पड़ता है। अरे रहने दे रहने, इतना बड़ा परिवार, अरे अब तक तो घर में दो बच्चे खेलने चाहिए थे। बैठिए ना भाई साहब, बैठिए। और सब कैसे हैं? भाभी, नंदू, बेला सब अच्छे तो है ना? अरे क्या काग अच्छे होंगे, घर में कमाने वाला मैं अकेला और खाने वाले इतने, अब क्या बताऊं कमला। आजकल तो बच्चों को दो वक्त का खाना खिलाना मुश्किल। सोचा था इंदर बाबू से कुछ उधार ले लूंगा और नौकरी मिलते वापस कर दूंगा। नहीं नहीं भाई साहब, उनके सामने हाथ फैलाने से आपका भी अपमान होगा और मेरा भी। अच्छा तो कुछ और सोचता हूँ। अच्छा चलता हूँ। हरी भाई साहब। अभी मेरे पास सिर्फ इतने हैं, रखिए। नहीं नहीं नहीं, मैं छोटी बहन से रुपए नहीं लूंगा। अरे काम तो चलाइए, समझ लीजिए कि उधार लिया है, लेकिन किसी को बताइएगा नहीं, उनको भी नहीं। ठीक है, लेकिन ये मैं उधार समझ कर रख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अरे जिस काम के लिए मैं आया था वो तो भूल ही गया। क्या कमला, मुझे तो सुबह शाम एक ही चिंता सताई रहती है कि भगवान मेरी बहन की गोद भरे, इसलिए एक साधु के पास गया। उसने एक तावीज बनवाने के लिए कहा है, कोई 300-400 रुपए का खर्चा है, कोई बात नहीं, मैं इसी से कर लूंगा। नहीं नहीं, आप क्यों खर्चा करेंगे, आप कागज ले आइए, मैं आपको पैसे दे दूंगी। ठीक है भगवान, मेरी बहन की मनोकामना पूरी कर। अच्छा तब मैं चलता हूं। अच्छा भाई जी। ठीक है इंद्रजीत, मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे अविनाश बाबू आइए आइए, ये मैं बाद में देख लूंगा। बहुत अच्छा सर। वाह वाह वाह, सच में तुम्हारी मेहनत और लगन काबिले तारीफ है, इतनी तरक्की की है तुमने, और एक मैं हूं कि जिंदगी में कुछ भी ना कर सका। बैठे कहिए, कहीं कुछ काम की बात हो? हाँ काम की बात तो कई जगह हुई, अब देखो ना ऐसा वैसा काम भी तो नहीं कर सकता। अब तो लोग ताना देते हैं कि इंद्रजीत मुखर्जी के बड़े साले को काम की क्या जरूरत है। मैं एक बहुत जरूरी काम से तुम्हारे पास आया। हाँ तो फिर कहिए ना। किस मुंह से कहूँ, बच्चों के लिए दूध और फीस का सवाल है। तो इसमें शर्माने की क्या बात है, आदमी अपनों के सामने हाथ फैलाता है, ज्यादा नहीं 400-500 रुपए, और दान नहीं उधार, नौकरी मिलते ही वापस कर दूंगा। ये लीजिए 1000 रुपए मेरी तरफ से बच्चों के लिए। इंद्र तुमने मेरे बच्चों को बचा लिया है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन एक प्रार्थना है कि बात कमला को मत बोलना। नहीं नहीं, ऐसी बात किसी को बताने वाली थोड़ी है, बल्कि अविनाश बाबू मैं कुछ और ही सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था, वैसे आप तो अपने ही आदमी हैं, अगर थोड़ी सी जिम्मेदारी आप भी ले लें तो मुझ पर बड़ा उपकार होगा। छी 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 छी, उपकार क्यों कह रहे हो, मैं तो हर तरह से तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ। आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ की देखभाल करनी होगी और अकाउंट्स चेक करने होंगे। इसके लिए फिलहाल मैं आपको 1000 महीना दे सकूंगा। पैसे का सवाल ही कहाँ पैदा होता है, काम तो घर का है ना, जो मर्जी आए दे देना, लेकिन एक विनती है। वो क्या? कि ऑफिस के तनख्वाह के रजिस्टर में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरना लोग कहेंगे कि अविनाश ने छोटे बहनोई के यहाँ नौकरी कर ली। अच्छा अच्छा, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, आप कल से आ जाइएगा। अच्छा अच्छा नमस्ते। हो गई क्या? नहीं नहीं, थक गया था, आंख लग गई। थकोगी नहीं, रात दिन काम काम काम, तुमने तो फैक्ट्री को मेरी सौत बना दिया है। ऐसा मत कहो कमला, ये सब मैं तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। ये क्या? ठाकी? कुछ नहीं, आज भाई साहब आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो देखे हैं। तो इन सब चीजों में विश्वास रखती है? तो क्या करूं, 3 साल हो गए शादी हुई, लोग क्या सोचते होंगे, जिस औरत की गोद सुनी हो उसका कितना अपमान होता है। कमला, बच्चे भगवान की देन है, हम क्या कर सकते हैं, फिर भी अगर तुम्हें बच्चे की इतनी लालसा है तो किसी को गोद ले लेते हैं। इससे तो अच्छा है कि जल्दी से देवर जी की शादी कर दे। देवू की शादी? और क्या, उनके बच्चे होंगे
तो मुझे लगेगा कि वो मेरे अपने हैं। लेकिन कमला, पहले लड़की देखनी होगी, उसे पसंद करना होगा। मत करो, देवर जी ने लड़की पहले से पसंद कर ली है। अच्छा, और मैं भी देख चुकी हूँ, तुम चाहो तो शादी कल हो सकती है। अगर तुम लोगों ने पहले से ही सब कुछ तय कर लिया है तो फिर मुझसे क्या पूछती हो? ठीक है, हो जाए शादी, कल से बैंड बाजे बजवाना शुरू करा देते हैं। कविता, आज कितने दिनों के बाद ये दिन आया ना? दिन नहीं, रात। ओह, मैं तो भूल गया। अच्छा, एक बात पूछूं? पूछो। बुरा तो नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये सब बंगला, फैक्ट्री, जायदाद सब तुम्हारे बड़े भाई साहब के नाम है ना? क्यों? वाह, एक भाई के नाम सब कुछ और एक के नाम कुछ भी नहीं? नहीं 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 कविता, हम दोनों भाइयों में कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि बड़े भाई साहब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, जो उनका मेरा। तुम बड़े भोले हो, मैं तो कहती हूँ दौलत के सामने प्यार की कोई कीमत नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्यों, बुरा मान गया ना? नहीं, लेकिन खैर छोड़। देखो कविता, आज की रात ये बातें करने के लिए थोड़ी, आज की रात तो हम दोनों के मिलन की रात है ना? जी नहीं। अच्छा हेमंत, वो फैक्ट्री के बारे में सारे इंस्ट्रक्शंस तुम्हें दे चुका हूँ, एनी मोर क्वेश्चंस? नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर। इंडो, तुमने मुझे बुलाया? आई अविनाश बाबू, वो इंडो जर्मन प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अच्छी बात है, वाह, आमने सामने बैठ कर बात भी ठीक हो जाएगी। मुझे वहाँ शायद 6-7 दिन लग जाएंगे। तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगा, कोई खास बात हुई तो मैं ट्रंक कॉल कर दूंगा। ठीक है, 2 दिन के बाद लेबर पेमेंट है और 3-4 बिल्स पेंडिंग है, मैंने इनको समझा दिया है, उसके लिए मैंने 1,00,000 रुपए का चेक साइन किया है, आप इसे कैश करवा लीजिएगा। जी, और 2 ब्लैंक चेक्स भी मैंने साइन किए हैं। ब्लैंक चेक? ब्लैंक चेक क्यों? इन केस किसी की पेमेंट रह गई हो या किसी को अर्जेंट पेमेंट करनी पड़ी, हो सकता है मुझे वहां रुपयों की जरूरत पड़े, अगर ऐसी बात हुई तो मैं आपको टेलीग्राम करूंगा, आप मुझे ड्राफ्ट दे दीजिएगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो इंद्र, तुमने मुझे जिम्मेदारी दे दी है, मैं पूरी तरह निभा दूंगा। अच्छा मिस्टर मुखर्जी, I have gone through your papers. आपका एस्टिमेट हमको सूट करता है और रेट भी अच्छा है। But you see, contract देने का इंचार्ज कोई और है, मिस्टर खोसला। हमने आपके बारे में उनको रिकमेंड किया है, आप उनको जानते हैं? Well, unfortunately, मिलने का मौका नहीं मिला। You see, Mr. Mukherjee, there are 2 other parties also who have applied for the same contract. I see. And Mr. Khosla is interested in one of them. तो शायद मेरे लिए कोई चांस नहीं है। आप एक बार पर्सनली उनसे मिलिए ना। क्या फायदा, आज कल बगैर मिले कोई काम नहीं होगा। मिस्टर मुखर्जी, व्हाई डोंट यू टेक अ चांस? वेल, अगर आप कहते हैं तो मिल लेता हूँ। एनीवे, थैंक यू मिस्टर मल्होत्रा। थैंक यू मिस्टर मुखर्जी, देयर इज अ पार्टी टुनाइट, आई हैव बीन इनवाइटेड देयर, आप मेरे साथ चलना, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर खोसला। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। Good. Meet my friend Mr. Inderjeet Mukherjee from Calcutta. How do you do, sir? Fine, thank you. He has also applied for the same contract. I see. जी हाँ, इसी सिलसिले में मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। Sure, sure. Hello, Mr. Khosla. Hi, man. क्या क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कुछ है क्या? Of course. चलो हमारी टेबल पर क्या रंग बिरंगी तितलियाँ? एक मिनट. Excuse me. Excuse me. Hi, girls. Better. Come on. Thank you. Thank you very much. Really beautiful. Look at this man. See how he behaves. It's okay, Mr. Mukherjee. I am sorry. Let's forget it. I will take your leave now, Mr. Mukherjee, and good night. Ladies and gentlemen, welcome to our hotel tonight. We will now be presenting to you our most famous cabaret dancer, Miss Lena. Like me.
She's dead. My name is Rosy. से क्या बना देता है हा? कुछ भी नहीं पी फिर भी न जाने क्यों नशा हो गया। मुझे घर तक छोड़ दोगे? चलो। आज
किसी को भी मत आने देना, चाहे कोई भी हो। जी मेरे साथ। तुमने शादी की? हाँ। कैसी है तुम्हारी पत्नी? बहुत सुंदर? बुरी नहीं है। मुझसे ज्यादा सुंदर? मैंने कभी उस नजर से देखा नहीं। बच्चे हैं? नहीं। थैंक गॉड। शुक्र। तुम्हारी माँ कैसी है इंद्र? उन्हें गुजरे काफी अरसा हो गया है। सॉरी, मैं सच में एक महान औरत थी। जो कुछ भी उन्होंने किया, हाँ मैं अपने बच्चों की भलाई के लिए वही करती। मुझे यकीन है कि तुम बहुत सुखी होगे। तुम्हारे जैसा आदमी कभी दुखी नहीं हो सकता। और मैंने भी एक दिन सुखी बनना चाहा था। चाहा था एक छोटा सा घर, एक अच्छा पति और एक दो बच्चे। मगर ऐसा क्यों हुआ इंद्रा? क्यों? तुम्हें कोई बच्चा नहीं हुआ रमा? हुई थी, रमा को एक बच्ची हुई थी। लेकिन रोजी को कैसे संतान हो सकती है? रमा की बच्ची रहती है बहुत बहुत दूर, जहां रोजी पहुंच भी नहीं सकती। रमा, तुम इस रास्ते पर क्यों आई? तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ यू। क्या कह रही हो? ठीक कह रही हो। क्यों तुमने मरने से बचाया था? रमा, ये रास्ता तुम्हारा नहीं है, बेहतरी इसी में है कि लौटो। ओ शट अप, मुझे उपदेश देने की कोशिश मत करो। इन सब बातों से मुझे नफरत है। आज मैं दिल्ली की सबसे बड़ी कॉल गर्ल हूं। सुनना चाहते हो रामा कैसे रोजी बनी? तो सुनो, जब तुम्हारी मां ने मुझे काशी जाने वाली ट्रेन में भेज दिया, टिकट प्लीज, सुना नहीं? टिकट प्लीज। अब मास्टर साहब, जब तक ये बेचारी टिकट निकाल रही है, मेरा टिकट देख लो। ठीक है साहब। ये क्या? ये तो बनारस का टिकट है। बनारस तक कब तक पीछे रखिए? जी हाँ, आपको अगले स्टेशन तक का भाड़ा और 10 रुपया जुर्माना भरने पड़ेगा। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो बनारस में क्यों नहीं उतरी? ये तुम्हारा बाप का गाड़ी है क्या? ओहो, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपको इतना हमदर्दी है तो आप ही चुका दीजिए ना। अच्छा, मुझे तो हमदर्दी है साहब, मगर आपको जरा यह आना चाहिए कि लेडीज से कैसे बात करते हैं। बोली कितने पैसे हुए? 6 रुपया टिकट का और 10 रुपया जुर्माना। बस पकड़िए, बनाइए रसीद। लेकिन आप क्यों? कोई बात नहीं, मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम आता है। देखिए, मैं अगले स्टेशन पर उतर रहा हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। आप ठीक है? वो घबराइए नहीं, मेरे साथ मेरी दादी जी भी। कल शाम को आपको बनारस की गाड़ी पर चढ़ा दूंगा। आपने मुझ पर जो है वो तो मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। भगवान के लिए, भगवान के लिए, छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए।
उसके बाद मैं वहां से भागी एक अनजान अंधेरे रास्ते पर, बेबस बेसहारा, जो भी मिलता वासना का भूखा, जानवर से भी बदतर, नादी एनिमल्स, भूख और प्यास से पागल से भटकती रही। और एक दिन बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो अस्पताल में थी। रमा उस दिन एक बच्चे की मां बन चुकी थी। जी चाह उसका गला घोट दो, पर उसका तो कोई दोष नहीं था। सब कुछ भूलकर मां की ममता जाग उठी, पर उसे क्या खिलाती क्या पिलाती, जिसके सामने भी हाथ फैलाया उसी ने हाथ पकड़ना चाहा। फिर मैंने सोचा, अगर ये शरीर ही मेरा दुश्मन है तो क्यों ना इसी को दांव पर लगा दो। बस उसके बाद सब आसान हो गया। फिर एक दिन मैं रमा से रोजी बन गई। उसके बाद किसी चीज की कमी नहीं रही। अब मैं बहुत सुखी हूं, पूरी तरह खुशहाल, ऐश आराम से भरपूर। रमा, सुबह हो गई नहीं सो गए? उठे नहीं गए? रात बहुत देर हो गई थी और फिर तुम जिस हालत में थी। मेरा इतना ख्याल, चलो उठो, मुंह हाथ धो के चाय पी लो। चलो बताया नहीं, किस काम से दिल्ली आना हुआ? मेरी वो छोटी सी दुकान तुम्हारी मेहरबानी से एक्टर के रूप में बदल गई है। उसी के सिलसिले में कॉन्ट्रैक्ट लिए आया था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट शायद मुझे मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट के इंचार्ज कोई मिस्टर खोसला है और उनकी शर्तें मैं पूरी नहीं कर सकूंगा। कौन मिस्टर खोसला? कल रात जो पार्टी में 4-5 लड़कियों के साथ थे। हाँ, तुम जानती हो ना? थोड़ा बहुत। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाय रोजी डार्लिंग, कम इन। कल कहाँ गायब हो गई थी? आई मिस यू इन द पार्टी। लाया? झूठे कही। तुम तो वहां दुनिया भर के लड़कियों के बीच घिरे हुए थे, तुम्हें फुर्सत ही कहाँ थी मेरे बारे में सोचने की। और करता भी क्या, तुम तो गायब हो गई थी, किसी न किसी का दिल तो भला नहीं था। यानी तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। जान तो बहुत बड़ी बात है, एक छोटा सा काम है, कर सकोगे? Why not? बोलो क्या है। मैं जो कुछ भी कहूंगी करना होगा। Promise?
प्रॉमिस। कहाँ चलिए? तुम्हारा काम करने। कंग्रेचुलेशन। किसलिए? वो तुम्हारे इंडो जर्मन प्लांट का काम वो हो जाएगा क्या? और दो दिन में तुम्हें लेटर भी मिल जाएगा, लेकिन 1,00,000 डिपॉजिट और 2,00,000 बैंक गारंटी का इंतजाम करना पड़ेगा। कर सकोगे ना? किसी न किसी तरह करना ही होगा, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट में कैसे हाथ से जाने। और रुपयों के लिए आज शाम की फ्लाइट से कलकत्ता चला जाता हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी है, तार भेज कर ऑफिस से ड्राफ्ट मंगवा लो, तब तक तुम्हें ऑर्डर भी मिल जाएंगे। और फिर तुम्हें मेरे साथ शिमला जाना है ना? शिमला? अचानक शिमला क्यों? क्यों, शिमला जाना मना है क्या? मना तो नहीं है, लेकिन इस वक्त यहाँ से तो चले। चलो वहाँ बर्फ तो नहीं गिरी होगी ना? इंद्रजीत? अरे अशोक बाबू, एक्सक्यूज मी, जस्ट मिनट। नमस्ते अशोक बाबू, तुम यहाँ? दिल्ली कब आए? जी कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में आया था, 5-6 दिन हो गए। घर में सब खैरियत से है ना? जी हाँ। भाई जब से मेरा यहाँ तबादला हुआ तुम लोगों ने तो चिट्ठी लिखना बंद कर दिया। इंद्रजीत ये मेरा कार्ड, फुर्सत मिले तो फोन करके आ जाना। जरूर कोशिश करूंगा। ये जो तुम्हारे साथ हैं, इन्हें कहीं देखा है मैंने पहले? जी जरूर देखा होगा, यहीं के रहने वाली है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। नमस्ते। इस बुढ़ापे में तुम लोग मुझसे ये खेल खिला रहे हो तो मैं क्या करूं? अच्छा हुआ तुम लोग सब यहाँ मिल गए। अरे भाई साहब आइए ना। कुछ मालूम भी है क्या हो रहा है? क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया? क्या हुआ भाई साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? इंद्र बाबू को चिट्ठी आई? नहीं, क्यों? आती भी कैसे, वो टेलीफोन आया? नहीं तो, लेकिन बात क्या है? एक चिट्ठी आई है, इंद्र बाबू की नहीं बल्कि उनके बारे में अशोक बाबू। मामा जी की चिट्ठी? क्या लिखा है? उनकी तबीयत तो ठीक है ना, कब आ रहे हैं? तबीयत तो ठीक है, लेकिन अशोक बाबू ने जो कुछ उनके बारे में लिखा है उससे ये पता नहीं चलता कि वो कब आ रहे हैं। भैया पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ ना क्या बात है। देखो कमला, तुम लोग सब मेरे छोटे भाई बहन हो, मुझे तो तुम्हारे सामने ये चिट्ठी चिट्ठी पढ़ते भी शर्म आती है। कविता तुम्हें पढ़ के सुना दो। हे भगवान, मामा जी ने लिखा है, एक सौदागरी दफ्तर के सामने अचानक इंदर बाबू से भेंट हो गई, लेकिन लिखते हुए शर्म आती है कि वो खुलेआम एक मशहूर बाजारू औरत के साथ घूम रहे थे। छी छी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। कमला कमला घबराओ नहीं, हमारे होते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धीरे से काम लो कमला, धीरे से काम लो, बस 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 धीरे से। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। ओह गुड मॉर्निंग मिसेस सेन, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। अब कि आप बहुत दिनों के बाद आए हैं? जी हाँ बहुत दिन हो गए। वैसे मैं पेरेंट्स डे पर आने के लिए भी बहुत कोशिश की, लेकिन वक्त ही नहीं मिल सका। क्या मैं मीनू से मिल सकती हूँ? जी हाँ जरूर, लेकिन अभी वो क्लास में है, 10 मिनट के बाद छुट्टी होगी तो बुलवा दूंगी। तब तक आप ऑफिस में बैठिए ना। जी नहीं, आप अपना काम कीजिए, मैं बाहर गार्ड में इंतजार कर रही हूँ। ओके ओके थैंक यू। चले? अभी नहीं, तुम जानना चाहते थे ना मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ? मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ मीनू से मिलाने के लिए। मीनू? तुम्हारी बेटी? हाँ, लेकिन उसके लिए मैं माँ नहीं, आंटी हूँ। आंटी? लेकिन तुम उसकी माँ हो, ये बात तुमने उसे छुपाई क्यों? क्या है मुझमें जो मैं माँ कहला सकूं? मुझ जैसी औरत किसी की भी माँ नहीं हो सकती। लेकिन वो माँ के बारे में पूछती तो होगी। हमेशा पूछती है और मैं हमेशा यही जवाब देती हूँ, बेटी न जाने तुम्हारी माँ कहाँ चली गई है, कहाँ खो गई है,
और जब पिता के बारे में पूछती है तो कहती हूँ एक दिन जरूर आएंगे। इंद्र, जानते हो मैंने यहाँ स्कूल में पिता का नाम क्या लिखाया है? श्री इंद्रजीत मुखर्जी। हाँ इंद्र, तुम्हारे सिवा कोई नहीं था जिस पर मैं विश्वास करती, इसीलिए तुम्हारे नाम का सहारा लिया। जानती हूँ तुम पर मेरा कोई अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी अपने बेटी के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए यह अधिकार मैंने बिना पूछे ले लिया। लेकिन रमा, मीनू को मेरा नाम देकर तुमने उसे अपने नाम से भी अलग कर लिया। और तो कोई उपाय नहीं था, मुझे डर था अजीत का। एक दिन वो जेल से वापस आएगा और मुझे जरूर खोज निकालेगा और मेरे बेटी को मुझसे छीन लेगा। लेकिन अब मीनू के साथ अजीत का कोई संबंध नहीं। तुम्हारे नाम के साथ मीनू का नाम जोड़कर मैंने उसे बहुत ऊंचा उठा दिया है। देखो मीनू, तुम्हारी आंटी तुमसे मिलने आई है। आंटी, मेरी आंटी, आंटी। मीनू, छुच्ची छुच्ची मीनू। आंटी, क्या मैं तुमसे बात नहीं करती? क्यों? तुम इतने दिन से मुझे मिलने क्यों नहीं आए? उफ़ो, मैं एक बहुत जरूरी काम में फंस गई थी। I'm sorry. अब तो नाराज नहीं हो ना? चलो, ये है मीनू, ये नमस्ते करो बेटी। नमस्ते। आंटी, ये कौन है? बोलो तो कौन है? नहीं पहचाना। बेटी, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। मेरी डैडी? हाँ बेटी, मैं ही तुम्हारा डैडी हूँ। मुझे मिलने के लिए आए? ओ, भूल हो गई बेटी, ये तुम्हारी आंटी ने मुझे बताया नहीं कि तुम यहाँ हो। रमा, मैं प्रिंसिपल से कहकर आता हूँ, आज मीनू बेटी हमारे साथ ही रहेगी। बड़े बाबू जी, इंद्रजीत का टेलीग्राम आया। सब कुशल तो है ना? हाँ सब कुशल है। वो इंडो जर्मन प्रोजेक्ट के सिलसिले में गए थे ना, वो सब काम बन गया। 1 लाख रुपया मांगा है, ये देखिए। तो भेज दीजिए ना, आपके पास तो ब्लैंक चेक है। हाँ ब्लैंक चेक है, इसलिए तो आपके पास आया हूँ, आप अकाउंटेंट है, इसे भर दीजिए। अच्छा अच्छा। लाइए, मैं कैश करा लूंगा। कैसे हो सकता है? क्या हुआ, किसका तार है? कॉन्ट्रैक्ट का डिपॉजिट भरने के लिए मैंने ऑफिस से 1 लाख रुपए मंगवाए थे, इनका जवाब आया रुपए नहीं है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? शायद ना हो। कैसे ना हो, आने से पहले मैं खुद बैंक में भर के आया था। रमा, कल सुबह की फ्लाइट से मुझे कलकत्ता जाना होगा। जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी हम लोग काम पर नहीं जाएंगे। क्या बात है शंकर, ये लोग काम पे क्यों नहीं है? इनको अभी तक तनख्वाह नहीं मिली सर। क्या मतलब तनख्वाह नहीं मिली? हेमंत, मैं तो सारा बंदोबस्त करके गया था। इसका जवाब तो अविनाश बाबू ही दे सकते हैं। आप लोग घबराइए नहीं, आपकी तनख्वाह आज ही मिल जाएगी, यही काम पे जाइए। चलो भैया, चलो चलो सर, आओ काम पे आओ। अविनाश बाबू कहाँ? वो 2 दिन से नहीं आए सर, उनको टेलीफोन किया था लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दिल्ली के एड्रेस पर मेरा ड्राफ्ट क्यों नहीं भेजा? सर आपका तार आता ही अविनाश बाबू ने खुद ब्लैंक चेक भरकर बैंक से रुपया निकाला था। रुपया निकाला था तो फिर भेजा क्यों नहीं? कहाँ गए 10,000 रुपया? जरा बड़े बाबू को बुलाइए, पूरे अकाउंट बुक लेकर आए, मैं खुद चेक करूंगा। शंकर, तुम अविनाश बाबू के घर जाओ और उन्हें लेकर आओ। और सुनो, अगर सीधी तरह ना है तो जबरदस्ती लेके आना। अच्छा सर। हेलो, यस मुखर्जी स्पीकिंग।
क्या आपके बिल का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ? लेकिन लेकिन मैं सारा बंदोबस्त करके गया था। वेल एनीवे आप मुझे एक आध हफ्ते की मोहलत दे दीजिए प्लीज। थैंक यू। गॉड I've been completely ruined. Absolutely broke. अगर मुझे पहले अंदाजा होता तो anyway, तुम पहले बैंक जाओ जितना भी बैलेंस है सब निकालो और सबसे पहले मजदूरों में तनख्वाह बांट लो। बड़े बाबू सर कल से कारखाना बंद करना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। आई बीन चीटेड। मेरे पास कारखाना चलाने के लिए कोई पैसा नहीं। बंद कर दीजिए इसको। सर अगर आप खुद मजदूरों से कहें तो क्या कहो? कि तुम लोग तनख्वाह लिए बगैर काम करते रहो, अपने बाल बच्चों को भूखा मारकर मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट कायम रहने दो, मेरी इज्जत को झूठ की बुनियाद पर खड़ी रहने दो। आई एम नॉट अ ब्लडी हिपोक्रेट। फंसे नहीं अब जाइए। क्या बात है इंद्र? मुझे यहां जबरदस्ती पढ़कर लाने का मतलब? मतलब मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूं। अच्छा 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 तो यूं कहो ना, बोलो क्या जानना चाहते हो? ये अकाउंट्स। अकाउंट तुम्हारे सामने पड़े हैं देख लो। ये सब जाली है। जाली है तो अपने अकाउंटेंट से पूछो, बड़े बाबू से पूछो। हिसाब करके पेमेंट की पूरी रकम मैं आपके पास छोड़ गया था, फिर मजदूरों को तनख्वाह क्यों नहीं मिली? पार्टियों के बिलों के पेमेंट क्यों बाकी है? लाख रुपए का चेक कैश कराया गया, फिर आपने मुझे ड्राफ्ट क्यों नहीं भेजा? इतना सारा रुपया कहेगा? मैंने कोई चेक कैश नहीं कराया और ना इस बारे में कुछ जानता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। शंकर दरबार से कहो जब तक मैं ना कहूँ अविनाश बाबू को यहाँ से बाहर ना जाने। यस सर। ओ तो तुम मुझे जबरदस्ती रोक कर रखना चाहते हो? ठीक है पुलिस बुलवा लूंगा। सही हिसाब न मिलने पर पुलिस मुझे बुलानी पड़ेगी। अरे भाई धमकी किसे दे रहे हो? अपने एक नौकर को। नौकर? कौन नौकर? किसका नौकर? मैंने कभी तुमसे तनख्वाह ली है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई रसीद, कोई वाउचर? असलियत ये है इंदर बाबू कि तुम्हें बिजनेस करना आता ही नहीं। बिजनेस करने में और दिल्ली जाकर एक बाजारी औरत से अय्याशी करने में बड़ा फर्क है। ठीक है तुम कहते हो चला जाता हूँ, लेकिन जरूरत पड़े तो बुला लेना। वैसे गेट आउट। तबीयत खराब है क्या? मत छू मुझे। अचानक क्यों? मुझे कुछ हो गया या तुम है? क्या मतलब? लो पढ़ो अपनी करतूत। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने गिर सकते हो। मैंने तुम्हें देवता माना था लेकिन तुम सुनो, अगर तुम दूसरों की बातों पर यकीन कर सकती हो तो तुम्हें मेरी बात भी सुनोगे। कोई जरूरत नहीं। आज मुझे मालूम पड़ा कि हमारी संतान क्यों नहीं होती है। जिस औरत का पति किसी वेश्या के साथ रंगरलिया मनाता रहे, ना उसकी कभी गोद भर सकती है और ना ही उसे कभी शांति मिल सकती है। कमला पीना हराम है न पिलाना हराम है, पीने के बाद होश में आना हराम है। आप जानते हैं किसने लिखा? Yes, definitely not Mr. Tagore. एक डबल पैसे।
अरे इंद्र बाबू आप, नमस्कार नमस्कार। हेलो 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 मिस्टर घोष, क्या पियेंगे आप? हम तो उठते बैठते सोते जागते कुछ ना कुछ पीते ही रहते हैं, ये जालिम छोड़ती नहीं, लेकिन आप इसके चक्कर में कैसे फंस गए? मिस्टर घोष, वजह थोड़ी होती है किसी बात की, वजह तो अपनी तसल्ली के लिए बना ली जाती है। वाह वाह क्या बात कही है जनाब ने, क्या बात कही है बेहरा, इसी बात पे पूरा बॉटल लाओ पीजिए। पीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो? देखते नहीं तुम्हारे देवता जैसे भाई साहब नशे में झूमते हुए आ रहे हैं। चलो कहाँ थे इतनी देर तक, किसी का ख्याल नहीं है तुम्हें? मेरा ख्याल किस रहा? अब जाइए, मुझे किसी का हमदर्दी नहीं चाहिए। जाइए। अपने पति को इस हालत में देखकर नफरत हो रही है ना, शराबी चरित्रहीन जो वेश्याओं के साथ रंगरलियां मनाता है। देखो मैं तुम्हें इस घर में पत्नी की मर्यादा देकर लाया था, ये तुम्हारा घर है, अगर इस घर से किसी को जाना होगा तो मुझे, तुम्हें नहीं। नाश्ता कर लो बड़े भैया। नहीं कर रहा, खाने को दिल नहीं करता। रात भी तुमने कुछ नहीं खाया, भूख लगी तो ऑफिस में खा लो। पता नहीं तुम दोनों को क्या हुआ, वो ना कुछ खाता ना तुम कुछ बोलती हो। सर अविनाश आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आया हूँ क्या मतलब? मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ, मिसेस कमला मुखर्जी से। वो मेरी पत्नी है और ये मेरा घर है, मेरी इजाजत के बगैर ना आप यहाँ आ सकते हैं ना उसे मिल सकते हैं। गेट आउट फ्रॉम हियर। गेट आउट फ्रॉम हियर? मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ, आप मुझे गेट आउट कर रहे हैं? मिस्टर मुखर्जी अगर आप मेरा इस घर में आना जाना बंद करना चाहते हैं तो मेरी बहन को तलाक दे दीजिए, ना मेरी बहन यहाँ रहेगी ना मैं यहाँ आया करूँगा। वेरी सिंपल,
कमला, ओ कमला। क्या बात है? अरे मैं कहता हूँ साजू का दिमाग खराब है। क्या हुआ? होना क्या है, उसी बदमाश आवारा औरत के चक्कर में आकर खुद तो मजे कर रहा है और बाकी तुमको और सारे घर वालों को बर्बाद करने में तुला। अब और क्या हो गया अविनाश भैया? क्या कुछ नहीं हो रहा है, अब वो मकान कारखाना बिजनेस सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो गया। समझिया, मुझे पहले ही शक था, अब हमारा क्या होगा? मैं छोटा आदमी हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बड़े भैया ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी का नुकसान हो या दुख पहुँचे। महावीर काका, तुम बीच में मत बोला करो। ठीक है, नहीं बोलूंगा। बहुत सर चढ़ा रखा इस बुड्ढे को। देबू, अब चुपचाप बैठने का वक्त नहीं है, तुम्हें भी होशियार रहना पड़ेगा। हाँ भैया, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और कमला, मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ, इस घर की बागडोर अपने हाथ में ले लो, वरना जिंदगी भर पछताओगी। जिसे सुनने की फुर्सत ही ना हो उसे कौन क्या कह सकता है, लेकिन तुमने आजकल जो शुरू किया है उसकी वजह से मैं किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकती। मुझे अफसोस है, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए आजकल मुझे बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसकी वजह से? तुम्हारी परेशानियां तुम्हारे खुद की बनाई हुई है, उसकी वजह से हम लोगों को तकलीफ उठानी पड़े, ये कहाँ की इंसानियत है? क्या तुम चाहते हो कि हम लोग ये घर छोड़ के चले जाए? ये नहीं चाहता, लेकिन आजकल हालात ऐसे हैं, शायद ये मकान ही बेचना पड़ा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस जायदाद में देवू का भी हिस्सा है। इसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं है, ये मकान ये फैक्ट्री सब मेरी मेहनत मेरी कोशिश का नतीजा है, किसी का कोई हक नहीं है। क्या किसी का कोई हक नहीं है? नहीं, अपने सुख के लिए तुम कितने नीचे गिर गए हो, लेकिन याद रखना मेरे जीते जी मैं तुम्हें ये कभी नहीं करने दूंगी। अरे इंदर साहब, जटे हुए हैं, मुबारक हो मुबारक हो। लेकिन जनाब, क्या बेइज्जती कर रहे हैं शराब की? घटाघट घटाघट पानी की तरह पीते जा रहे हैं। ये शराब है, प्यास से इत्मीनान से बाइज्जत बादब आराम से पीजिए। सलाह के लिए शुक्रिया मिस्टर घोष, लेकिन आजकल मैं शराब नहीं पीता। शराब मुझे पी रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। ए बेरा, इस बात पर पूरा बॉटल। तुम? तुमने क्या हालत बना रखी है? हालत क्यों? ठीक ही तो है, तुम यहाँ कैसे? हौसला के साथ आई थी, वो दो दिन के लिए मद्रास गए हैं, मैं यहाँ रुक गई। तुम्हें घर पर फैक्ट्री पर बहुत फोन किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। उम्मीद भी नहीं थी कि तुम यहाँ मिलोगे। सच्चे दिल की तमन्ना थी, इसलिए ना उम्मीद होने के बाद ही मुलाकात। तुम तो पहले पीते नहीं थे, अब दिन में भी पीने लग गए हो, और वो भी इतनी इतनी के लिए? शराब पीने के लिए कोई बंदिश थोड़ी होती है। और फिर क्या रात क्या दिन, सब एक। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? चलो मेरे साथ कमरे में, सचमुच बड़ी दुख की बात है इंद्रा। पति और पत्नी के बीच एक बार गलत समय की दरार पड़ जाए तो उसका भरना आसान नहीं होता। तो मैं क्या करूं, इसमें मेरा क्या दोष है? दोष तो मेरा है इंद्रा। क्या मतलब? मेरे ही कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। तुम्हारे साथ मेरा नाम जोड़ा, तुम्हारी बदनामी हुई, तुम्हारे घर की सुख शांति मिटी। मुझ जैसे चरित्रहीन स्त्री के लिए तुम्हारा जीवन बर्बाद हुआ। छी 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 इंद्रा, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। नहीं रमा, ऐसा मत कहो। दुनिया तुम्हें कुछ भी समझे, मेरी नजर में तुम्हारी इज्जत है। मैं तुम्हारे बारे में ऐसी वैसी बातें नहीं सुन सकता।
गुड नाइट। पॉइजन? नहीं इंदिरा, तुम ऐसा नहीं करोगे। अब तो सोते जागते हर समय किसी और के ध्यान में डूबे रहते हो। नहीं कमला, ये बात नहीं। जरा सोचो, अगर तुम ही मुझे सहारा नहीं दोगी, लोगों के भड़काने से मुझे गलत समझती रहोगी, तो उसका नतीजा क्या होगा? अब और नतीजा क्या बाकी है? यही ना कि तुम हम सबको घर से निकाल दोगे और किसी दूसरी स्त्री के साथ संसार बसाओगे। नहीं पापा, ऐसा मत कहो, मुझ पर विश्वास करो। अगर मैंने किसी से प्यार किया है तो तुमसे। घर के एटमॉस्फेयर से तुम्हें तंग आ गए हैं। आज खाना भी बाहर खाएंगे, पिक्चर भी देखेंगे। खाना भी बाहर खिलाएंगे, पिक्चर भी देखेंगे। इंद्रजीत भाई साहब का अभी देखकर आता हूँ। ठहरो तो, देखो ना क्या लिखा है। Everything arranged. Come immediately. Rosy. दिल्ली से आया है। फिर दिल्ली? पर ये रोजी है कौन? ए, भाई साहब आ गए। भाई साहब, आपका तार। वो जल्दी में खुल गया था। महावीर काका, मेरा सूटकेस तैयार करके ऑफिस में भिजवा दीजिएगा। आज दोपहर की फ्लाइट से मुझे दिल्ली जाना है। फ्लाइट मुझे दे दीजिए। भाई साहब, आप हम सबसे बड़े हैं, इसीलिए हमने आपको बुलवाया है। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मामला वाकई बहुत ही गंभीर है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आदमी इतना गिर सकता है। छी छी छी। आप कहना क्या चाहते हैं भाई साहब? कमला, टेलीग्राम में साफ लिखा है, एवरीथिंग अरेंज्ड, कम इमीडिएटली। इसका मतलब समझती हो? एवरीथिंग अरेंज, शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है। कम इमीडिएटली, फौरन चले आओ। कमला, तुम बहुत भोली हो। तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारी शादी से पहले इंदर बाबू एक रमा नाम की लड़की को अपने घर पर लाए थे। लेकिन भाई साहब, तार भेजने वाले का नाम तो रोजी लिखा था। अरे बाबा, पोस्ट ऑफिस की गलती हो सकती है, उन्होंने रमा की जगह रोजी लिख दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं कभी नहीं मान सकती। अच्छा, मेरी बात नहीं मानती तो देवू से पूछ लो। कौन देवू? हाँ भाभी, भैया लाए तो थे एक लड़की। वो तो बड़े भैया ने मुसीबत में पड़ी एक लड़की की रक्षा की थी, उनसे उस लड़की का क्या संबंध? देबू, आज तुम्हारा नौकर फिर हमारी बातों में दखल दे रहा है, and I don't like it. ठीक है, मैं दखल नहीं दूंगा, लेकिन बहुरानी, बिना देखे सुने किसी पर ऐसा दोष लगाना ठीक नहीं। ठीक देबू, मैं आज ही दिल्ली जाऊंगी। मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि सच क्या है। यही बंगला है। वो देखो, वो देखो। ड्राइवर, उसके पीछे चलो। बैंक से पैसा निकलवा रहा है, अब पता चला।
ऑफिस का सारा पैसा क्यों स्टेट बैंक में ट्रांसफर हो रहा है? इसके लिए वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो। कमा तुमने मेरी इज्जत बचा ली, किस तरह मैं तुम्हारा शुक्रिया। बस, बस इतने प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, अब भी कोई शक की गुंजाइश है? अब तो यकीन हुआ, और कुछ देखना है? नहीं भैया, बस अब घर चलो। ड्राइवर चलो। काका, ये अंधेरा क्यों कर रखा है? किसके लिए रोशनी करूं, सब तो चले गए। चले गए कहां? मालूम नहीं, बहुरानी साथ मायके गई हूं। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। सब गए काका, तुम क्यों नहीं? मैं तो छोटा आदमी हूं बड़े भैया, मैं तो उन लोगों की तरह पढ़ा लिखा अकलमंद नहीं। मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है, अब तुम्हारी गोद में सर रख कर मौत की नींद सो जाऊंगा। ये लो कमरे की और अलमारी की चाबी। के लिए जा रही हूँ, अपने नए परिवार के साथ सुख से रहना। आप इतनी रात के कैसे तकलीफ थी? कमला कहाँ? कमला आपकी पत्नी? जी हाँ, मेरी पत्नी। किसकी पत्नी पति का घर छोड़कर किस वक्त कहाँ जाएगी, इसकी जानकारी क्या मुझे रखनी होगी? कमला सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, तुम्हारी बहन भी है, जिसका फायदा उठाकर तुमने मेरे घर में आग लगाई। शट अप! तुमने अपनी फैक्ट्री मेरी बेइज्जती की, मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने अपने घर पर मेरा अपमान किया, मैं खामोश रहा। याद रखो ये मेरा घर है, या एक लफ्ज मुंह से निकाल। तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूं, बताओ कमला कहाँ? मुझे नहीं मालूम, बताओ कहाँ? बताओ, बताता हूँ, पहले मेरी गर्दन छोड़ो। कमला ने आप हत्या कर ली। तुम झूठ बोलते हो। मैं झूठ नहीं बोलता, इन्हीं हाथों ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, इन्हीं हाथों ने उसकी चिता जलाई। कितना भागा हूं मैं, लेकिन अच्छा हुआ तुम जैसे नीच और चित्रहीन पति से छुटकारा तो मिल गया उसे। चलो निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। भैया देखो ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या कह रहे हैं? आप ही के नाम मिस्टर इंद्रजीत मुखर्जी है? जी हाँ। आपके नाम समन है? समन जी हाँ। यहाँ दस्तखत कीजिए।
थैंक यू। चलो ये कोर्ट कचहरी क्या मामला है बड़े भैया? मैं नीच बेमान हूं, मैंने अपने छोटे भाई को धोखा दिया। पिताजी की जायदाद का उसका हिस्सा मैंने गवा लिया। काका देबू ने मुझ पे मुकदमा किया। मैं कसम खाकर कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। आपका नाम? देवजीत मुखर्जी। आप रोजी को पहचानते हैं? जी हाँ। ये बताइए मिस्टर मुखर्जी, पहली बार कहां आपने रोजी को देखा? जब मैं भाभी और अविनाश बाबू के साथ भाई साहब का पीछा करते हुए दिल्ली पहुंचा था। क्यों उनका पीछा किया था आप लोगों ने? इसलिए कि सबसे पहले रोजी और भाई साहब के संबंधों के बारे में मेरी वाइफ के मामा जी की चिट्ठी आई थी और फिर रोजी का तार। दिस लेटर एंड द टेलीग्राम हैव बोथ बीन डिपॉजिटेड विद द कोर्ट योर ऑनर। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर मुखर्जी, आपने जब दिल्ली में रोजी को देखा तो क्या सोचा? यही कि वो लोग कितने सुखी और खुश हैं और हम लोग कितने दुखी और परेशान। वो लोग मतलब? भाई साहब, रोजी और कौन? बताइए बताइए, घबराते क्यों हैं? और उन दोनों की बेटी जिसे भाई साहब अपनी गोद में लिए हुए थे। बेटी, I hope this has been recorded. आप बता सकते हैं आपके भाई साहब के पास खर्च करने के लिए इतना पैसा कहां से आता था? वो ऑफिस से रुपया मंगाते थे। उस दिन हमने अपनी आंखों से भाई साहब को रोजी के साथ बैंक से रुपया निकालते हुए देखा था। और सच तो ये है योर ऑनर, हमने कानून का दरवाजा इसलिए खटखटाया है कि भाई साहब सारा रुपया यूं ही न उड़ा दें और हम लोग अपने अधिकार से वंचित रह जाएं। दैट इज ऑल योर ऑनर, यू मे क्रॉस एग्जामिन इफ यू लाइक। थैंक यू। मिस्टर देवजीत मुखर्जी, जब दिल्ली में आपके भाई साहब बैंक से रुपया निकाल रहे थे तब आप उनके साथ थे? जी नहीं। तो कहां थे आप उस वक्त? बैंक से बाहर एक टैक्सी में। अच्छा, क्या आपके पास कोई ऐसा अनोखा माइक्रोस्कोप है जिससे आप दीवार के आर पार देख सकते हैं? नहीं। तो फिर आपने ये कैसे देख लिया कि आपके भाई साहब ने बैंक से रुपया निकाला? मैंने अंदाजे से ऐसा सोच लिया था। अंदाजे से सोच लिया था? अच्छा मिस्टर दिलजीत मुखर्जी, क्या ये सच है कि मरते वक्त आपके पिताजी बहुत सा कर्जा छोड़ गए थे? जी हाँ, लेकिन कितना ये मुझे नहीं मालूम। मगर आपको ये तो मालूम होगा कि आपके भाई साहब ने दुकान बेचकर वो कर्जा चुकाया और एक दोस्त की मदद से अपनी फैक्ट्री बनाई। ऐसा भाई साहब कहते हैं। मगर आपको यकीन नहीं? जी जी नहीं। अच्छा मिस्टर मुखर्जी, क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि आपके पिताजी की दुकान की कीमत अंदाजन कितनी रही होगी? यही कोई 10-15 हजार रुपए। योर ऑनर, जरा इस पॉइंट पर गौर किया जाए कि 10-15 हजार की दुकान में आधे हिस्से के हकदार अपने भाई की 20 लाख की फैक्ट्री में आधा हिस्सा मांग रहे हैं। देखो योर ऑनर। अविनाश बाबू, क्या आप इंद्रजीत मुखर्जी की फैक्ट्री में मुलाजिम थे? जी जी जी। भला कोई शरीफ आदमी अपने बहनोई के यहाँ मुलाजमत कर सकते हैं? तो उनकी फैक्ट्री में आप क्या काम करते थे? जी, उनके कहने से कभी कभी अकाउंट्स देख लेता था, वो भी खासकर जब वो दिल्ली आते जाते। दिल्ली में उनका क्या बिजनेस था? ये बिजनेस तो मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता लाख लाख रुपए लेकर जाते और खाली हाथ वापस लौटते। जब मैं उनसे पूछता कि रुपया कौन से अकाउंट में डालूं तो कह देते एडजस्ट कर लो। एडजस्ट? Has this point been noted, Your Honor? तो क्या आपने एडजस्ट किया? भला मुझ जैसा शरीफ और सीधा इंसान ऐसी बेईमानी कर सकता था? और फिर उस पैसे में देवू का हिस्सा था, मेरी बहन का हिस्सा था, ये सब सोचकर मैंने इनकार कर दिया और काम छोड़ दिया। क्या आप रोजी नाम की किसी स्त्री को जानते हैं? रोजी? जी हाँ, मैंने दिल्ली में इंद्रजीत के साथ उसे देखा था और उनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। बच्ची? You mean बेटी? जी हाँ। उन दोनों की अपनी बेटी? जी हाँ। That's all your बेटी।
कालकल स्कैंडल शेख्स मुखर्जी फैमिली. मिस्टर इंद्रजीत मुखर्जी, अ कलकत्ता बिजनेस मैग्नेट, इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर हैविंग इलिसिट रिलेशनशिप विद रोजी, अ दिल्ली कॉल गर्ल. ये तो बहुत बुरा हुआ. क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं मीनू, कुछ नहीं. योर ऑनर, अभी तक जितने गवाह आए हैं उनके बयान से साबित होता है कि इंद्रजीत मुखर्जी एक झूठे, फरेबी, धोखेबाज और चरित्रहीन इंसान है. अब मैं एक ऐसे गवाह को पेश करूंगा जो खुद उनके जुल्मों का शिकार है. वो है उनकी पत्नी मिसेस कमला मुखर्जी. के जुल्म का शिकार असहाय अबला कमला देवी अदालत के सामने हाजिर है. इन्हें हर पल सताया गया, हर दिन धोखा दिया गया, फिर भी ये देवी समान स्त्री पति के प्रेम को तरसती रही. मगर इन्हें मिलाकर अपमान, तिरस्कार, जिसे ऊपर ये घर छोड़कर चली गई. और इंद्रजीत मुखर्जी ने जब सुना कि कमला देवी ने आत्महत्या कर ली, तब इन्होंने सच्चाई का पता नहीं लगाया योर ऑनर, बल्कि संतोष की सांस ली. योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त क्या खुद ही लेक्चर देते रहेंगे या गवाह को भी कुछ कहने का मौका देंगे? मिस्टर घोष, एग्जामिन द विटनेस प्लीज. यस योर ऑनर, इन अ मोमेंट. कमला देवी, आपकी जो संपत्ति है, कार, बंगला, फैक्ट्री, ये सब आपके पति की है या ससुर जी की? मैं ठीक ठीक नहीं जानती. आप घर की बड़ी बहू हैं, घर के मामले में इतना भी नहीं जानती? संपत्ति की ओर नजर रखना ही घर की बड़ी बहू का काम नहीं होता. आपकी शादी के वक्त आपके ससुराल की आर्थिक दशा कैसी थी? साधारण थी. उसके बाद मेरे पति ने फैक्ट्री बनाई, बंगला खरीदा. इसके लिए पैसा कहाँ से आया? ये मेरे पति ही जानते हैं, मैं नहीं. क्या आप रोजी नाम की किसी स्त्री को जानती हैं? जवाब दीजिए. जी हाँ, मैंने उन्हें दिल्ली में देखा था. वो मेरे पति के साथ थे. उनकी गोद में एक बच्ची थी. कौन थी वो बच्ची? उनकी बेटी. क्या उन्होंने छुपकर दूसरी शादी कर ली थी? शायद. That's all you want. Your witness. Thank you. कमला देवी, क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि अपने पति इंद्रजीत मुखर्जी के खिलाफ आपका क्या इल्जाम है? कुछ नहीं. यालाना, प्लीज बी काइंड इनफ टू नोट द पॉइंट. कमला देवी, क्या आप अपने पति से प्रेम करती हैं? पति से प्रेम और सेवा करना ही तो स्त्री का धर्म है. क्या आपके पति ने आपको घर से निकाल दिया था? वो इतने छोटे दिल के नहीं है. मैंने खुद अपनी मर्जी से उनका घर छोड़ा था. क्यों? उनकी खुशी के लिए. आपने अपनी आत्महत्या की झूठी खबर क्यों फैलाई थी? वो भी उनकी खुशी के लिए. आपके घर छोड़ने या मरने की खबर से आपके पति को क्या कोई खुशी हो सकती थी? जवाब दीजिए. जैसे कि मैंने आपसे कहा, उनकी एक दूसरी पत्नी भी है जिसका नाम पहले रमा था, अब रोजी है. तो परिवार होने के कारण मेरे पति बहुत उलझन में रहते थे. उन्होंने शराब पीनी भी शुरू कर दी थी. मैं उनकी ये तकलीफ नहीं सह सकती थी.
इसलिए मैंने घर छोड़ दिया और आत्मघात की खबर फैलाई ताकि उन्हें मेरे बंधन से मुक्ति मिल जाए। आप ही बताइए चाचा, मैंने क्या बुरा किया? मैंने वही किया जो हर पत्नी को करना चाहिए। पति की खुशी में ही पत्नी का जीवन, जिसने उन्हें संतान का सुख दिया, सच्चा अधिकार उसी का है, वह मेरा नहीं। मुझे और कुछ मत पूछिए चाचा, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मिस्टर सेन, अब गवाह से कुछ न पूछिए। यस योर ऑनर। दूसरा गवाह पेश किया जाए। मिस रोजी हाजिर हो। पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। वैसे मैं सच के सिवा कुछ कहती भी नहीं हूँ। आपका नाम? कौन सा नाम? आपके कितने नाम? जो मुझे जैसे प्यार से पुकारता है। Will you all kindly ask the witness to take off her glasses? गवाह से कहा जाए कि वो चश्मा उतार कर अपना बयान दे। Is it necessary, Your Honor? आप चश्मा उतार ही दें तो बेहतर। आप अदालत को वही नाम बताइए जो आपके माँ बाप ने रखा था। मिस रमा चौधरी। और कौन सा नाम है आपका? शादी के बाद रमा सेन, फिलहाल रोजी। इसका मतलब ये हुआ कि रमा और रोजी एक ही लड़की के दो नाम हैं। और भी बहुत से नाम है वकील साहब, जाने मन, नूरे नजर, प्रिया, उर्वशी। कोई कोई तो प्यार से जाने जिगर और दिल रुबा भी कहता है। आप इंद्रजीत मुखर्जी को कैसे जानती हैं? कैसे का क्या मतलब? जानती हूँ, इतना ही काफी नहीं है। क्या आपने उन्हें कभी रुपया दिया था? जी हाँ, दिया था। कब दिया था? एक तो तब जब मैं रमा सेन थी, करीब 25,000 के जेवर दिए थे जिन्हें बेचकर उन्होंने अपनी फैक्ट्री शुरू की थी। फिर? और फिर कुछ महीने पहले जब इनकी फैक्ट्री में किसी ने 3 लाख रुपए का गबन किया था, उस वक्त मैंने फैक्ट्री को बचाने के लिए 3 लाख रुपए जबरदस्ती इन्हें दिए थे। इसका कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ है, यह है बैंक का स्टेटमेंट जहां से मैंने रुपया निकाला था। योर ऑनर, दिस स्टेटमेंट प्रूव्स हर पॉइंट। दैट्स ऑल योर ऑनर, माय लर्नेड फ्रेंड मे टेक ओवर। रमा देवी, उस मिस रोजी, ये जो 3 लाख रुपए आपने इंद्रजीत मुखर्जी को दिए, ये आपके पास कहाँ से आए? ये मेरी खुद की कमाई है। आपने इतना पैसा कैसे कमाया? कब कमाया? ऑब्वियसली एक दिन में नहीं, सालों में कमाया और धीरे धीरे जमा किया। क्या ये भी बताना जरूरी है कि कैसे कमाया? जी हाँ जरूरी है। तो जवाब ये है, जब मैंने वो रास्ता अपनाया जिसे लोग पाप का रास्ता कहते हैं। इसीलिए आप ऐसे कपड़े पहन कर अदालत में भी चली आए। क्यों? अदालत से मुझे कोई ऐसा हुक्म भी नहीं मिला था कि मैं बुर्का पहन कर आऊं। ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज प्रोसीड। आपने मेरे काबिल दोस्त को ये बताया कि आप इंद्रजीत मुखर्जी को जानती हैं, मगर ये नहीं बताया कैसे जानती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखते ही दिल पहचान लेता है। अच्छा, और सिर्फ इस पहचान के ही कारण एक पुत्री का जन्म हो गया। वो बच्ची रमा सेन की है, रोजी की नहीं। अदालत में पहेलियां बुझाने की कोशिश मत कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरी बेटी के जन्म के साथ मेरे कलंक का कोई वास्ता नहीं है। योर ऑनर,
अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने बारे में कुछ और कह सकती हूँ। कहिए। थैंक यू। वैसे वैसे कोई नई बात नहीं है, फिर भी शायद भरी अदालत में कहने से दिल का बोझ हल्का हो जाए। योर ऑनर, मैंने बहुत दुख सहे हैं, बड़ी तकलीफें उठाई हैं। अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे मजबूरन पाप के रास्ते पर चलना पड़ा। आज मैं एक बदनाम बदचलन औरत हूँ। लोग मुझसे नफरत करते हैं, शायद इसीलिए मुझे इंद्रजीत को पहचानने में कभी भूल नहीं हुई। लोग मेरे शरीर से खेलते हैं, लेकिन इंद्र ने मुझे कभी उस नजर से नहीं देखा। वो बहुत कुछ कर सकता था लेकिन नहीं किया। समाज स्त्री और पुरुष की दोस्ती पर उंगली उठाता है, खास तौर पर जब एक शादीशुदा अमीर आदमी की दोस्ती मुझ जैसी एक लड़की से हो। शायद इसीलिए इंद्रजीत को आज इस अदालत में आकर कलंकित होना पड़ रहा है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी इंद्रजीत की पत्नी कमला देवी पर है। मैं इन पर इल्जाम लगाती हूँ, ये अपने पति को नहीं समझ सकी, समझने की कोशिश भी नहीं की। इन्होंने अपने पति को प्यार नहीं दिया, उनका विश्वास नहीं किया, बल्कि शक किया, नफरत की। इनके भाई अविनाश ने इंद्र के फैक्ट्री में 3 लाख रुपए का गबन किया, फिर भी इंद्र ने इनकी खुशी के लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पत्नी को तो यह भी नहीं मालूम कि उसका पति जेब में जहर की शीशी लेकर घूमता था, मौत को गले लगाकर इज्जत बचाने के लिए। योर ऑनर, जिन लोगों की खुशी के लिए इंद्र ने सारी जिंदगी बिता दी, उन लोगों ने बदले में इंद्र को क्या दिया? सिर्फ बदनामी, नफरत और चोरी का इल्जाम। खत्म होते हुए इंसान के रूप में इस महान पुरुष के दर्द को अगर कोई समझा तो सिर्फ इस जलील गंधी औरत रोजी ने, जिसका इनसे कोई स्वार्थ नहीं। मेरा सिर्फ एक ही अरमान था योर ऑनर, जिस बच्चे को बचाने के लिए मुझे इस कीचड़ में उतरना पड़ा, उसे इस धरती पर इंद्र के सिवा कोई नहीं बचा सकता। इंद्र, इंद्र तुम ही मीनू को बचा सकते हो, सिर्फ तुम। उसे बचा लो इंद्र, उसे बचा लो। The court is adjourned for the day. तुम लोग मेरा ठहरो, मैं वकील साहब से बात करके आता हूँ। अभी क्या हुआ? तुम यहां नहीं आना चाहिए था। इस तरह सबके सामने अपने आप को गिराने की क्या जरूरत है? मैं मीनू के पिता को बेइज्जत होते कैसे देख सकती थी? कैसे? अच्छी है, होटल में है, तुम्हारे बारे में बहुत पूछती है। भैया, क्या बात है दीदी? भैया भाभी बेहोश हो गए। कमला, तू तो खड़ा खड़ा मुंह क्या दिख रहा है? जा पानी ले। कमला,
कमला, कमला, भैया क्या बात है देव? भैया भाभी की हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। अविनाश भैया की बातों ने मुझे अंधा बना दिया था, मुझे माफ कर दीजिए। अरे पगले, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अविश्वास के बाद जो विश्वास पैदा होता है वो कभी नहीं टूटता, और फिर मेरे ख्याल से इसकी जरूरत भी थी, है ना? मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे ये क्या, तू तो इस घर की बहू है, इस घर की शोभा। बड़े भैया बहू रानी होश में आ गई है, तुम्हें बुला रही है। कमला ठीक हो ना? यहाँ क्यों लाया मुझे? पत्नी का स्थान पति का घर होता है, अगर मुझे मालूम होता तुम अच्छी भली हो तो पहले ही ले आता। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई कि तुम पर विश्वास नहीं किया, लेकिन तुमने भी तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कौन सी प्रतिज्ञा? सुहागरात के समय तुमने वचन दिया था ना कि हम लोग किसी गलत फहमी के शिकार नहीं होंगे। भूल जाओ कमला, जो होना था सो। लेकिन देखो अब मुझसे कभी झगड़ा मत करना। अरे हाँ वो कहाँ गई? वही तुम्हारी रमा। तुम क्या चाहते हो, वो हमारे लिए सब कुछ त्याग करके महान बन जाए और मैं सबकी नजरों में गिरी रहूं? मिलोगी रमा? हाँ मुझे अभी ले चलो उसके पास। हेलो, अरे रमा माफ करना, कोर्ट से निकलते वक्त जल्दी मैं तुमसे मिल नहीं सका। अब तुम्हारी पत्नी की तबीयत कैसी है? अब वो बिल्कुल ठीक है। सुनो वो तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। मुझसे? अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। नहीं तो मुझे क्यों एतराज होगा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, वो जब चाहे आ सकती है। अच्छा हम दोनों अभी आते हैं। अच्छा मीनू। आंटी जानती हूँ मैं किससे बात कर रही थी? तुम्हारे पापा से। पापा से? जैसे नहीं बुलाया क्यों मैं तुमसे बात नहीं करती? रूठो नहीं बेटी, वो यहीं आ रहे हैं तुमसे मिलने। सच? पापा मुझसे मिलने आ रहे हैं? हाँ बेटी वो तुमसे मिलने आ रहे हैं, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। उनका बहुत बड़ा घर है, वहां तुम्हारे लिए बहुत से खिलौने हैं, वहां तुम्हें सब प्यार करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। भी मेरे साथ चलोगी ना? मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरा घर तो दूसरा है, मैं तुम्हारे पापा के साथ कैसे रह सकती हूँ? आंटी तुम रो क्यों रही हो? मुझे डर है मीनू वो मुझे कहीं जबरदस्ती ना ले जाए। आंटी तुम ऐसा करो तुम छुप जाओ। छुप जाओ? हाँ यही अच्छा होगा, लेकिन लेकिन तुम मुझे बताना नहीं। वो मुझे ढूंढेंगे लेकिन मैं कहीं नहीं मिलूंगी, बड़ा मजा आएगा है ना? गई अविनाश बाबू, यहाँ कैसे आना हुआ? कमला की तबीयत खराब सुनकर मेरे पाँव के नीचे जमीन निकल गई। कमला अब कैसी हो तुम? दूर हो जाइए मुझसे, हम दर्दी दिखाने आए हैं, शर्म नहीं आती आपको? ये क्या कह रही हो कमला, आखिर ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। भगवान ऐसा भाई किसी को न दे। कमला हमारे सुखी संसार में आग लगा थी, मैं आपकी सूरत भी देखना नहीं चाहती, आप चले जाइए यहाँ से, मैं कहती हूँ चले जाइए। अविनाश बाबू
देखो बेटा मैं किसे लाया हूँ, बता सकती हो ये कौन है? तुम माँ से मिलना चाहती थी ना? ये तुम्हारी माँ है। मेरी ना? हाँ बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। सचमुच तुम मेरी माँ हो? हाँ बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम अगर मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? नहीं बेटे, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। आंटी बाहर आ जाओ, डरो नहीं, पापा के साथ ना ही है। रमा जीवन में समस्या बनकर रहना नहीं चाहती। मैं जा रही हूँ, शायद मेरे जीवन की मंजिल का रास्ता खत्म हो चुका है। मेरे लिए जो कुछ भी है मीनू है, उसे तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हारे सिवा उसका ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं ये जिम्मेदारी सौंप सकूं। लेकिन अगर कमला बहन उसे अपनाना ना चाहे तो उसे किसी अनाथ आश्रम में भेज देना। और सुनो, आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, अगर हो सके तो होटल का बिल चुका देना। रमा कहाँ है?